हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज क्या है युवराज? आज भैया दूज। आज है भैया दूज। हमेशा भैया दूज दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है, बट आज जो है दो दिन बाद मनाया जा रहा है, बिकॉज सूर्य ग्रहण था, जिसकी वजह से दो दिन बाद मनाया जा रहा है। तो अभी गाँव में गोधन बाबा का कुटाई हो रहा है, तो चलिए देखते हैं कि उनका कुटाई कैसे होता है। चले, एक्साइटेड हो? चलो, युवराज ने कभी देखा नहीं है तो आज देखेगा। और तुम्हारी बहनें सब कहाँ है? गई गोधन बाबा को कूटने के लिए। कुटाई होगा उनका। चलो गुड मॉर्निंग बोलो। चलो गोधन कूटने तुम भी। दो दो जगह बना हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अच्छा, कूटने वाले ये हैं और उसको ऐसे ही बनाया हुआ है। भैया दूज जो होता है वो बहन अपने भाई को तिलक लगाती है सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए। तो यहाँ पे ये लोग गोधन बाबा को बीच में प्रतिमा बना के चारों साइड से बैठ के और सराप रही है, और यहाँ पे ये लोग बैठ के काजल बना रहे हैं। काजल करने के लिए बना रहे हैं लोग। काजल करने के लिए कौन काजल करेगा? तुम लोग? हाँ। अच्छा, सरापता है, काजल करता है। क्या? जो सरापता है वही काजल करता है। जमराज और जमुना भाई बहन थे, बहुत लंबी कहानी है इनका, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे पढ़ लेना। देखो युवराज तुम्हारे लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही है। देखो देखो परी क्या कर रही थी? बड़ा कर रही थी। हेलो बोलो, हेलो बोलो। आ गए यूट्यूब पे, आ गए तुम। ऐसे बोलो, हेलो बोलो, हेलो। देखो कैसे देख रहा है। तो फाइनली गाइस मेन टाइम आ गया गोधन कुटाई का। तो अभी देखिए गोधन बाबा को ये लोग कैसे कूटेंगे। हम नहीं गोधन ना कुटाई। देखिए ये जो है ना, ये यही चीजें अपने भाई को बहने खिलाती है लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि के लिए। उस घड़ा को देखिए क्या क्या लगा रहे हैं। ये मेरी भाभी है, ये देखो। देखो मुझे क्या कर दिए ये लोग। मुझे भी टीक दिया इन लोगों ने। ये लोग भी है यहाँ पे, ये लोग बच गए और मैं फंस गया। देखो गाइस, देखो गाइस, मेरा फेस खराब कर दिया इन लोगों ने। भैया दूज ब्लॉग के चक्कर में पोपट हो गया गाइज। ये देखिए गांव की जो मेरी भाभी है वो क्या हाल कर दी मेरा। चलिए, यही तो प्रेम व्यवहार है हमारे गांव में गाइज। जब भी हम गांव में जाते हैं तो सब लोग अच्छे से एकदम फ्रेंडली बात करते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, और सब लोग फ्रेंडली ही रहते हैं मेरे गाँव में। किसी के साथ कोई मतभेद नहीं होता है, ऐसा है गाँव हमारा। राजा ब्लॉग की तरह नहीं, सोशल मीडिया पर अपने गाँव का बदनामी करता है वो। चलिए, वो तो उसका अपना प्रॉब्लम है, मेरा पेमेंट दे दे, यही काफ़ी है मेरे लिए। जिनको जिनको भोजपुरी लैंग्वेज में मेरा विलेज टूर देखना है वो कमेंट करके बता दीजिए। इसके बाद वाला ब्लॉग हो सकता है कि वहीं आएगा। देवी जी रील बनाने के चक्कर में लगी हुई है, नाक से लेकर सर तक सिंदूर लगा है इनके, और इसी का देखिए रील बना रही है यहाँ पे मोबाइल रख के। युवराज देखो तो मेरा क्या हाल हो गया है। अच्छा, अच्छे दिख रहे हैं। तुम्हारी बहने तुमको बजड़ी खिलाएगी तो क्या गिफ्ट दोगे? दस रुपया में से पांच पल्वी को देंगे। अच्छा, तीन अरतिया को और दो पल्वी को। अरे देखिए अपना हिसाब बैठा लिया है, पल्वी सबसे बड़ी है तो इसको पांच रुपया देगा, आराध्या इससे छोटी है तो इसको तीन रुपया देगा, परी सबसे छोटी है तो उसको दो रुपया देगा। हम लोग के पास तुमको वही काफी है। गाइस तो अपने इस भाई पे तरस खाइए ताकि हम वायरल हो जाए, और मैं अपनी दीदी को बहुत अच्छा अच्छा गिफ्ट दूं। मेरे पास, मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ क्योंकि वो गिफ्ट के लिए बोल रही है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस बार माफ कर दो, अगले साल मैं बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दूंगा। तुम्हें एक अच्छे गिफ्ट क्योंकि तुम हम लोग एक लौता भाई हो। तो अभी गाइस मस्त नहा के हो गया फ्रेश, और अब देखते हैं दरवाजे पे कुछ लड़के आए हैं गाँव के ही, क्यों बुला रहे हैं मुझे। नहीं देखिए चांदा जो होता है ना, ये रिवील नहीं करना चाहिए।
समझे, नहीं तो लोग पता है क्या बोलेंगे कि ये दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। समझे, तो यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना मतलब मेरा शक्ति है उतना मैं दूंगा। छठ पूजा का चांदा लेने गांव के लड़के ही आए थे सब। सबके सहयोग से सब काम बढ़िया हो जाता है। पंडाल वंडाल सब जो बनता है उसमें खर्चा लगता है, और भी सारे काम होते हैं, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, तो जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। मैं दिखाऊंगा पंडाल, आप देखना कितना बढ़िया पंडाल बना है इस बार छठ पूजा का। युवराज, ब्रेकफास्ट कर रहे हो? रोटी और गुड़, मुझे पता है इसमें गुड़ होगा। हाँ, इसमें गुड़। देखो रोटी और गुड़। तुम्हें मीठा कितना पसंद है युवराज? तो अभी गाइस युवराज का घोंसला निकल चुका है, और यह है युवराज का घोंसला, देखिए इसको ये लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। और युवराज को देखिए, अभी एकदम नहा धोवा के फिट हो गया है अपने नए घोंसले में छुपने के लिए। ठंडा लगा है नहाते टाइम? नहीं मम्मा, गर्म पानी से नहाए, सुसुम नहीं गर्म से। सुसुम नहीं गर्म से? हाँ, गर्म नहीं लग रहा था। गर्म पानी से तुम नहा लिए, सुसुम पानी से नहीं नहाए? गर्म पानी से नहाया, गर्म में नहीं लग रहा था। जल जाओगे गर्म पानी से, सुसुम पानी से नहाया है। बूढ़े हो गए हैं, लाठी लेके चल। वो देखो बुढ़िया आ गई है, कुबड़ी बुढ़िया है, कुबड़ी बुढ़िया। एक वीडियो अपलोड पे लगा दिया और दूसरे वीडियो का एडिटिंग मैंने चालू कर दिया। तो अब चलते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से अपने काम पे वापस लग जाएंगे। और युवराज का देखिए घोंसला एकदम बन के तैयार हो गया है, इन लोगों ने खुद से इंस्टॉल कर लिया, बच्चों ने ही। ये देखो अपने घोंसला में युवराज सो गया है, और अपना टेडी बियर देखो, ये इसको तो ये छोड़ता ही नहीं है, जब भी सोएगा अपने गोद में लेके ही सोएगा। तो ये है अपना ब्रेकफास्ट। आज भैया दूज है तो इनके लिए मिठाई लेके आते हैं। ये है अपना लोकल मार्केट, और आज यहाँ पे बाजार है, तो बाजार अब लगना शुरू हो गया है, सब्जी मार्केट। सब लोग लाते हैं यहाँ पे, ताज़ा ताज़ा सब्जी होता है खेतों से। यह है स्पेशल मिठाई का दुकान यहाँ पे, तो मोतीचूर का लड्डू है जी है। और देखिए यहाँ पे ठाकुर जी के साथ फ्रॉड हो गया है। इनका सैलून है वहाँ पे और ये सबका सेवा करते हैं, और इन्हीं का फ्रॉड हो गया। चोरी का मोटरसाइकिल किधर? ये चोरी का मोटरसाइकिल है, कौन रखा है चोरी का मोटरसाइकिल यहाँ पे? दो गो मिठाई दो और दो बैगन ले जाओ, तीन गो करे खा लेते कौन तो मीठ निकला। देखो ठाकुर पीछे क्या हो रहा है। बोल भी लो ये तुम लोगों का मिठाई। हाँ, क्यों चिल्ला रही थी? उनको मार रहा था, माथा पर फुला दिया है मार के। कौन सा मारा है, क्या चीज से मारा है? पता नहीं क्या चीज़। नहीं मारे हो? अच्छा इससे देखे, जरा दिखाओ तो। इससे मारा है? इसी से मारता है। इसी से मारते हो दीदी सबको? आज तो भैया दूज है, ये लोग तुमको मिठाई खिलाएंगे, तुम्हें इन लोगों को गिफ्ट देना पड़ेगा। हम तो नहीं देंगे। अब देखो देखो, अब इसका शिकायत हो गया ना। देखो देखो अब हो गया, हो गया, हो गया। क्या बोले थे? मत रो युवराज, इंसल्ट हो जाएगा। थोड़ा कंडीशन खराब है, तो मैंने क्या किया है देखिए, नया नया नोट अपने एक फ्रेंड से मैंने मांग के लाया है, इससे लोग खुश हो जाएंगे, बिकॉज वो बैंक में काम करता है ना, तो दे दिया। तो युवराज ये लो पैसा, करेंसी है बिल्कुल। ऐसे ऐसे कर देते हैं। नहीं पहले टीका लगाओ। टीका यहाँ तक कर देता है लो। अच्छा हो गया बिंदी। भाव खा रहे हो तुम? अब मम्मा अब ऐसे ऐसे खोला है, खाओ मजे से। बहुत मुंह खोला, इतना बड़ा मुंह खोला, और लड्डू खिलाई इतना, थोड़ा सा उसमें से उठाओ ना, ये लड्डू मत खिलाओ, पूरा एक खाएगा वो। तुमको मन करेगा तो देना, नहीं मन करेगा तो खुद रख लेना। बराबर देगा तीनों को, ठीक है? तो सोच तो अच्छा है। और जो बच जाएगा तो हम ले लेंगे। अच्छा,
पैसा हम ही ले लेते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, तुमको इतना अमाउंट लियो, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, बराबर-बराबर हिस्सा करके दे देती हूं उसको। वाओ वाओ, हवा कितना कितना दे रहे हो? 40 चालीस दे रहे हैं, बच गया हम इस पैसे से। हवा जी, अब तो बचा ही नहीं। तीनों इसके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दो। आहा, खुश रहो। हाँ, छोटा है, छोटा है। क्या करेंगे? 60 रुपया मम्मा के पास से ले लेंगे, पूछ कर। यही हाँ, पूछ कर। देखो युवराज जो भी लेता है पूछ कर लेता है। हाँ गाइस, तो आज भैया दूज है तो ये लोग मुझे लड्डू खिला रहे हैं, मैं इन्हें पैसा दे रहा हूँ। देखिए गिफ्ट देने के लिए 40 चिल्ली और अब ले लेता हूँ। पैसे से हवा बनाया था, मूर्ख बनाया था। देखो प्रैंक करता है युवराज, बहुत प्रैंक करता है। देखो इसीलिए है ना, परी से युवराज को नहीं बनता है। आज के डिनर में क्या है? केले का सब्जी और दूध है, और सुबह का ये बचा हुआ सब्जी है, शिमला मिर्च और पनीर। सब्जी नहीं खाओगे तुम? टीका लग जाएगा। केला वाला खाओ तो, एक गाय लोगों को दिखाओ तो खाके। खाए खाओ, डालू डालू, टीका लग रहा है। युवराज तो आज बहुत बड़ा काम कर दिया, सब्जी खा लिया। वीडियो का एडिटिंग मैंने ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर ही लिया है, तो मैं सुबह इसको अपलोड कर दूंगा, बिकॉज टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन ये सब लिखने में, बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी टाइम हो गया है 12:33, तो अभी नींद एकदम अपने चरम सीमा पे है। तो फिलहाल गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। खाली मोबाइल में देखो, ये देखो ड्राइंग कर रहा है यार।